तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? के जो बनाएंगे अब कुछ कुछ होता है का रीमेक, जिसकी कास्टिंग में है एक ऐसा नाम जिसे रेड फ्लैग दिखाएगी जनता और निकलेगा वही नेपोटिज्म का पुराना धुआं। दरअसल करण जौहर की कुछ कुछ होता है इस साल आने वाले अक्टूबर में 26 ईयर्स पूरे कर लेगी, जिसके चलते इस फिल्म को री रिलीज करने की डिमांड हो सकती है। क्योंकि फिलहाल हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जैसे क्लासिक लव स्टोरीज थिएटर में री रिलीज हो चुकी है, वो भी ऑडियंस डिमांड पे, तो कुछ कुछ होता है का इसमें पीछे रहना तो बनता नहीं है। वैसे री रिलीज करने के साथ शायद पार्ट टू बनाने का हिंट या रीमेक बनाने का हिंट भी मिले, क्योंकि करण रीमेक बनाना चाहते हैं। वैसे रीमेक तो बन सकता है, पर रीमेक में थोड़ा सा चेंज भी नजर आ सकता है। जैसे कि कुछ कुछ ये करण का डायरेक्टोरियल डेब्यू था और ये फिल्म देखने के बाद उन्हें अपनी ही बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वेल, इसमें शाहरुख खान का जो राहुल वाला कैरेक्टर था वह उन्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग लगा था, और फिल्म रिलीज होने के बाद यानी कि काजोल ने तो ये राहुल को लेकर ये भी कहा कि अगर पॉसिबल होता तो वे राहुल की कंफ्यूज बिहेवियर के चलते उससे नहीं बल्कि अमन से ही शादी करती, जिसमें सलमान खान नजर आए थे। पर उस वक्त तो राहुल और अंजलि का ही ये रियूनियन सबको देखना था, पर क्या पता इस बार अलग पर्सपेक्टिव के साथ ही फिल्म बनाई जाए। बट डोंट यू वरी, जिस तरह कुछ कुछ होता है के लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ऑफर दिए गए थे जिसे उन्होंने रिजेक्ट किया, जैसे कि रानी मुखर्जी का टीना वाला रोल पहले करण की क्रश ट्विंकल खन्ना को ऑफर हुआ था, फिर ऐश्वर्या राय को, फिर तब्बू, करिश्मा कपूर, उर्मिला को, और इन सब के रिजेक्शन के बाद वो रानी को मिला। तो वैसा इस बार नहीं हो सकता, क्योंकि टीना के रोल के लिए करण के दिमाग में जानवी कपूर है, क्योंकि टीना एक ग्लैमरस और हॉट कैरेक्टर थी जिसके लिए जानवी परफेक्ट होंगी, ऐसा उन्हें लगता है। वेल, पर इस पर करण को नेपोटिज्म वाला टोंट ना मिले, क्योंकि जानवी को उन्होंने लिया तो उन्हें देखकर कुछ ऑडियंस नाराज भी हो सकती है, क्योंकि जानवी हॉट तो है पर एक्टिंग अभी भी नहीं समझती। खैर, वैसे अंजलि के रोल के लिए करण को आलिया भट्ट सही लगती है, तो वही राहुल के कैरेक्टर के लिए रणवीर सिंह। वैसे रणवीर एक कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल, एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर निभाने में माहिर है और आलिया तो एक्टिंग की देवी है। ऐसे में इन दोनों की केमिस्ट्री से लेकर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की कोई परेशानी वाली बात तो आएगी नहीं। वैसे अमन के रोल के लिए कुछ कुछ होता है के लिए अभी आमिर खान को ऑफर दिया गया, कभी सैफ अली खान को, कभी अजय देवगन को, फिर शाहरुख से ओवरशैडो होने के डर के चलते उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसी क्लासिक फिल्म के रीमेक के लिए एक्टर्स ऑडिशंस देने के लिए भी राजी होंगे। खैर, वैसे एक्टर्स के साथ साथ एक और बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि करण की फिल्मों में बहुत बार देखने को मिलती हैं वो चीजें, और वो है बास्केटबॉल। जैसे कुछ कुछ होता है से लेकर कल हो ना हो से लेकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में बास्केटबॉल कॉमन ही था। ऐसे में कुछ कुछ के रीमेक में ये मिस कैसे हो सकता है? वैसे अब ओरिजिनल फिल्म का रीमेक, उसके सीन्स का रीमेक तो बनेगा, तो फिल्म के किसी गाने का रीमेक भी करण बना सकते हैं। वैसे भी रीमेक या रिक्रिएटेड वर्जन का फैशन ही है अभी तो इसके चलते तुझे याद ना मेरी आई इस गाने का भी एक न्यू वर्जन सुनने को जरूर मिल सकता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है इसका, और जो कि एक्चुअली कुछ कुछ होता है के लिए बना ही नहीं था, बल्कि ये गाना एक्चुअली दिलवाले दुल्हनिया के लिए बना था, पर अफसोस उसमें इस्तेमाल नहीं हो सका। वैसे 1998 में रिलीज हुई कुछ कुछ होता है ने इंडिया में तो धमाल मचाया ही था, जिसने दुनिया भर में 91 करोड़ का बिजनेस किया था। पर उस टाइम पर बहुत अमेजिंग तरीके से फिल्म लॉन्च हुआ, फिल्म रिलीज हुआ, बहुत प्यार मिला, तो ये प्यार जो कुछ कुछ होता है को मिला, इसीलिए अब जब रीमेक बनेगा तब उसे लेकर इंडिया से लेकर विदेश तक कितने लोग कितने पागल होने वाले हैं आपको आइडिया भी नहीं है। बोला, आप इस रीमेक के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828858888।